यू 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 थैंक थैंक माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी टैलेंटेड है आज आपने देखा शो का जो स्टार्ट था वो थोड़ा डिफरेंट हुआ एक बहुत ही कमाल किस्म के गाने से हुआ आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरा कवल जो कि आपने देख लिया सिंगर भी हैं व्लॉगर भी हैं डॉक्टर भी हैं पेंटिंग भी कर लेती हैं टिक भी <laughs> बना लेती हैं इतनी मल्टी टैलेंटेड है तो मैं चाहूंगा एक दफा फिर से इनको वेलकम करेंगे हद कर दी पे बहुत सारी तालियों के साथ हेलो थैंक यू सो मच थैंक यू इकरा जी और मुझे बताएं करती आप सिंगिंग है hmm. पढ़ी आपने साइंस डॉक्टर बनी लेकिन शौक आपको सूफीजम का है yeah. वारिस शाह आपको सब पता है मुझे कोशिश करते हैं कि हमें सब okay. तो वारिस शाह साहब के कलाम से आगाज करेंगे अगर आ, मैं सुना दू बाबा बुल्ले शाह का बिकॉज सुनेंगे वो मैं लाइव परफॉर्म करती ओके okay. माइक ये अब ऐसे? माइक की जरूरत नहीं अब नहीं है बस वो बस। गाना आपने गा दिया okay, अब okay. बातें होंगी इस कॉलर माइक से ओके okay. क्या बात है ये कैच कर लिया फुलावर की जिंदड़ी नो इशक रवा बाजार जो चाहे इशक करा छ कख ना छेख व

थैंक यू सो मच आपने हमारे शो का स्टार्ट इतना एनर्जेटिक कर दिया यू सो तो अब आप आपको हम दावत <laughs> देंगे कि आप तीफ तो रखें और हम हथ कर दिए मोमिन का सिलसिला शुरू करेंगे आप सबकी मोहब्बत के साथ जी तो आप देख सकते हैं आज सिंगर तो है एक डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद है और मेरी टीम वाले अपने सारी रिपोर्टे लेकर आ गए थे मैंने उनको बोला कि अगर आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप

उनकी कवालियाँ ज्यादा हमारे घर पे लगा करती थी तो वो जो मुझे, आ, आ, तो मुझे बड़ा मजा थी। <laughs> वो बहुत सुनते हैं तो है। है। अच्छा। <laughs> है उनको उनकी यानी कि कोई भी चीज आती थी तो वो कवालियों के फैन है तो वो सुनते सुनते मेरे अंदर का म्यूजिक मुझे डिस्कवर तब हो गया कि मैं गा क्योंकि मैंने अपने बजमेद में फर्स्ट टाइम नाथ परफॉर्म की थी तो मुझे लगा कि यार मुझे अब मैं गा सकती हूँ तो बस माशाल्लाह तो फिर ठीक है ये हो गई सिंगिंग पेंटिंग की तरफ ये किस तरह पता चला अच्छा वेलकम मूवी देखने के बाद <laughs> नहीं 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 तो, नहीं नहीं, नहीं तो, मजरू भाई पेंटिंग बता रहे हैं मजनू भाई वाले डोंकी मैं बिल्कुल <laughs> <laughs> वो बिल्कुल नहीं बनाए मेरे डैडी ने मुझे आज तक कभी टॉयज नहीं लेके दिए थे हम बहुत छोटे थे तो वो हमारे लिए पेंट्स और ये चीजें गिफ्ट लेकर आते थे पेन रेजर्स मार्कर्स के कुछ तो वो करते करते मुझे कलर्स बहुत पसंद है। मैं उंगलियों से पेंट करती थी फिर मैंने उंगलियों से, से पेंट करती थी उंगलियों से वो उसको करके हाँ वो थम से वो बड़ा अच्छा निकल रहा है आप लोग ट्राई करना टूथ ब्रश से और इससे उसके अलावा ब्रश को पेंट करके उसके बाद छीटे लगाओ तो वो कितना अच्छी लग रहा है उस तरह से तो वो मेरे पास बचपन से पेंट्स बहुत थे तो मुझे शौक मेरा डेवलप हो गया और मेरी जो आर्ट की स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हो गई थी माशाल्लाह हाँ। माशाल्लाह ठीक है तो व्लॉगिंग की तरफ कैसे आई वो तो कोविड ने हमारी जिंदगी बदल दी <laughs> कोरोना ने लोगों की जिंदगी में भूकंप मचाया मेरी जिंदगी को अच्छा कर दिया बहुत कोरोना का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिंदगी की हर सिचुएशन का शुक्रिया बात नहीं वाकई कोविड ने लाइफ चेंज कर दिया वो दिन था एक दिन उठी कोरोना ने आपसे बात की कि छुट्टी कर, <laughs> तो कर रहा है क्योंकि जाना आना इतना मुश्किल हो गया था मैं ये बता दूं कि मैंने अपना करियर जो है सिंगर स्टार्ट किया लेकिन फिर मैंने टेलीविजन ज्वाइन किया सोशल मीडिया पे मैं बहुत बाद में आई थी कोविड में तो पहला व्लॉग क्या था जो बनाया

हाई अल्लाह पता नहीं की गोश्त यहाँ बाजी ना लड़ो लादा वास्ते मेरा बंदा मेनू घरों कट देगा मेरे घर आके सारा लड़ाई लड़ाई ए, बाजी ए रान ते खाला नू देनी सी तुसी क्यों नू अपनी दोस्त नू देनी बाजी तुसी यार ए भी रान रख लो बेरमानी लड़ाई ना छिछड़े ते सैड करो ना खाओ ताजी हो गई एस्ट्रोलॉजी ये क्या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती है एस्ट्रोलॉजी में स्टडी ऑफ <laughs> बहनों की पढ़ाई बहनों की बहनों की पढ़ाई पहना दी पढ़ाई <laughs> है हम शीरा की पढ़ाई आप पांच हम शीरा हमशीरा पांच बहने माशाला तो वो क्या करती है आप सबसे बड़ी है मैं सबसे बड़ी सब हूं। आपकी लाडली है सब मेरी लाडल आपको पॉकेट मनी आप देती नहीं मैं तो नहीं देती सब अपना अपना कमाती है खुद माशाल्लाह तो वालिद साहब तो बड़े खुश होंगे वो माशाल्लाह वो जब हम पैदा हुए तब से खुश है और अब तक खुश जा रहे हैं एक ही बंदा है माशाल्लाह जो अपनी औलाद से खुशी है मतलब बीच बीच में कोई ना कोई नाराज़ ज़रूर होता है नहीं नहीं मेरे डैडी बहुत सपोर्टिव अच्छा, डैडी कितना प्यारा डैडी ने <laughs> डैडी ने मतलब है अबू, अब, अबू, पापा, पापा, मतलब हमारे साहब तो अपने साहब को भाजी कहते थे ना भाजी आ गए है आप डैडी कहते हैं नहीं पापा और मम्मा को मम्मी कभी कभी मम्मी नाश्ता है

हाइपर इन्फ्लोमेटरी हाई रेस्पायरेटरी हाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ नेचुरल फिनोमिना हो गया अच्छा इसका क्या इलाज है? इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस नहीं करी और मैं कोई ऐसी चीज बता दूं और वो बेचारा कर ले तो बाद में तुसी सारे ने मेरे उत्ते आ जाना मैं रिस्क नहीं लेंगी प्यार ना कह दे कर लेगा <laughs> मैं रिस्क नहीं मैं प्यार ना सेब खाया करो डॉक्टर तो दूर रहो बस एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे ओह सुने

मैं अपना कर्ज उतारने का सोच रही हूँ अपने हालात <laughs> <सुँछे। laughs> <नहीं। laughs> ठीक कर लिए फिर मुद्दे कर लेंगे